दोस्तों, अभी जो चल रहा है ना पाकिस्तान में, अभी का आप लोग अगर अवेयर हो तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है वहाँ पे। गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और ये हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा नेबर कंट्री है, ये सही नहीं है। इसका जिम्मेदार वो खुद है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में एक बार फिर से। भाई लोगों, ये मिलो, ये है हमारे चीका जी। पापा के पास बैठो, तो ये पीका जी, बैठ दो पापा के पास। चीका आया है मिलने के लिए इससे, पीका से। अब पीका खेल रहा है। पीका, ये चीका, ये पीका, मैंने बता दिया। पीका देखो कितनी शैतानी कर रहा है। पीका क्या चाहिए, क्या मांग रहा भैया? मैं हूँ रामपुर, वो अपनी धन्नो, और ये भाई साहब वकील साहब है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत फेमस जो है फूड स्टॉल है यहाँ पे रामपुर में, सब्जी मंडी के पास। और खाने के काम में किस तरीके से लोग, देखो कितनी बरकत है और कितना जो है फेमस है यहाँ पे, कि भाई साहब भीड़ लगी पड़ी है एकदम। कितने रुपए की भाई ये? गुप्ता जी ने यहाँ पे रामपुर खरीद दिया कम से कम आधा। कितने की भैया? इतनी भीड़ है उसमें, फुल 30 की। 30 की फुल? अच्छा, उसमें क्या क्या है? राजमा है, राजमा चावल कढ़ी चावल मिक्स है, बढ़िया है ना। तो गुप्ता जी, हाँ आप बताइए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? गुप्ता जी ने आधा रामपुर खरीद लिया, कम से कम आधी जमीन रामपुर की खरीद ली है। नहीं, वाकई में बहुत फेमस है। एक बार दूर से भी दिखा देता हूँ, पहले पास से ले जाके दिखाऊंगा, फिर आपको दूर से दिखाता हूँ क्या हाल है। ये है हमारे दो जो है, ये वकील साहब हैं और ये है हमारे भूतपूर्व सैनिक। ये हमारे जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, मिस्टर सुमित काम्बोज। ये राजमा चावल और थाली पेलते हुए, ये है भाई साहब गुप्ता जी, राजमा चावल। ये मंडी पे, मंडी में ही है, रामनगर मंडी पे। देखो क्या हाल है, ऐसे लग रहा है जैसा कि फ्री में जो है बट रहा हो मामला। खाने के काम में यही है, भगवान ने जिस पे आशीर्वाद रख दिया, हाथ रख दिया, उसका हाल देखो। ये इधर है, ये है जी, इधर आलू भी हैं, हाथों हाथ आलू निकाल रहे हैं। ये मंडी है बेसिकली, ये सब्जी मंडी है। इधर आगे जाके ये पूरा वो देखो, वो ये सब रामपुर में एंटर करते सब्जी मंडी है, और यहाँ पे ये है गुप्ता जी। ये देखो गुप्ता जी, राजमा चावल हाफ प्लेट 20 रुपये, फुल प्लेट 30 रुपये। हमारी पूरी टीम जो है खा पी के सेट है, बस पानी और पी रहे। अभी आपने जो देखा है ये 2-3 दिन की क्लिप्स हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। और अभी करंट में जो एक मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान का, अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे किस तरीके से जो है ना, एक तरीके से गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो जो दूसरों के लिए गलत करता है उसके सामने ना ये सब चीज़ें आई जाती हैं, कहीं ना कहीं एक दिन वापस लौट के आती। पाकिस्तान ने जो है ना पूरा बुरे हाल कर रखे हैं, हमारे भी मतलब काफ़ी नाक में दम कर रखा था काफ़ी लंबे टाइम से, और उसके परिणाम उसको अब भुगतने पड़ रहे हैं। देखा होगा वहाँ पर किस तरीके से इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसे किस तरीके से जो है वहाँ पे मार भी रहे हैं सब लोग समाज में, और मिलिट्री वाले उसको बेसिकली, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसको अरेस्ट करा, और कैसे स्थिति है आप सब लोग देख ही रहे हो। तो कभी भी इस तरीके से ना करना नहीं चाहिए, दूसरे की नाक में दम नहीं करना चाहिए। चुपचाप खाओ कमाओ, मजे लो ज़िंदगी में। पाकिस्तान को यही सलाह है कि भाई जियो और जीने दो, अब भी होश में आ जाओ। तुम लोग हो नहीं समझदार, लेकिन होश में आओगे तो बहुत बढ़िया से रहोगे, बढ़िया तुम्हारा पड़ोसी ये साथ देगा। और ऐसे अगर नाक में दम करोगे तो इंडिया ने पहले भी कर चुका है ये काम, 1971 में बांग्लादेश को अलग कर चुका है, और अभी तुम्हारे सिंधु देश, बलूचिस्तान और कई टुकड़ों में तुम्हें विभाजित करने की औकात इंडिया के पास है। इंडिया एक ताकतवर देश है, लेकिन हम प्यार, चैन, सुख, शांति, समृद्धि, और ये हमारी एक फिलॉसफी है। और अगर ज़्यादा जिहादी एजेंडे पे चलोगे, ज़्यादा धर्म के नाम पे कट्टरता फैलाओगे या कुछ भी करोगे, तो उस सब से कुछ नहीं होना ज़िंदगी में, उससे तुम्हारा नाश ही होना है। तो ये सलाह है, ये सब ना करें। भाइयों, आज के ब्लॉग में इतना ही रहेगा, बहुत छोटा ब्लॉग बनाया है एक्चुअली। कुछ दिन से अपना किसी काम में मैं ज़्यादा इंगेज हो रखा था, तो ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पाया। 3 दिन का मैंने ब्रेक लिया, फिर मैंने सोचा कि इसको इंटेंशनली अब 3 दिन कर ही लेता हूँ। तो आज से आपको रेगुलर ब्लॉग्स मिलेंगे। आज के ब्लॉग में इतना ही, छोटी सी क्लिप्स मैंने दिखाई हैं, उसके लिए क्या कहूँ मैं आपको, सॉरी। बट यह है कि अब फिर से आपको कंटिन्यू डेली ब्लॉगिंग मिलेगी।